नमस्कार दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट जो है तीन इंटरनेशनल बॉर्डर से लगे हुए हैं, एक तो बांग्लादेश, एक म्यांमार और एक नेपाल। हाल ही में बीजेपी गवर्नमेंट ने सिटीजन अमेंडमेंट बिल 2016 उसको पेश किया पार्लियामेंट में। उस 2000 जो अमेंडमेंट बिल है उसकी जो मुख्य उसकी जो कंटेंट जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो हिंदू फॉरेनर्स हैं उनको इंडिया में सिटीजनशिप दिया जाएगा और मुसलमानों को सिटीजनशिप जो नहीं देगा और इंडिया से उनको बाहर कर दिया जाएगा। कुछ दिन पहले आप लोगों को याद होगा कि NRC का एक मुद्दा था, नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजनशिप। उस NRC में भी यही अपना गया था कि जो मुसलमान जो 1971 से जो बाद में जो आया उनको सिटीजनशिप नहीं देंगे और 71 की जो पहले के जो है उनको इंडियन सिटीजनशिप देंगे। हाल ही में नरेंद्र मोदी माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री प्रधान सेवक अपने आप को कहला जाता है, अभी नोट असम और इम्फाल की उन्होंने दौरा किया, एक विजिट है एक दिन की। नॉर्थ ईस्ट में ऐसे आग लगा करके आया, आज त्रिपुरा में दो तीन लोगों की जान चले गए, असम आज बंद है, तीन दिन से बंद है, मणिपुर बंद है, नॉर्थ ईस्ट पूरा जो है मतलब ब्लैक डे है अभी। तो उनकी वजह से जो अपनी जो इलेक्शन में जो आने वाला इलेक्शन 2019 की इलेक्शन जो की जो फ्यूचर को देख करके उन्होंने ऐसे जो आग लगा करके जो आया। नॉर्थ ईस्ट अभी बॉइलिंग पोजीशन पर है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आज तक जो है उन्होंने रिमूव नहीं किया। उनकी नरेंद्र मोदी की जो IV जो है सिक्योरिटी पर्सन है या आर्मी के पर्सन लोग जो है वो ठीक से उनको रिपोर्ट तलब नहीं करते हैं। हम ब्लेम करते हैं उनके नरेंद्र मोदी का जो कर्मचारी है जो IV के जो चीफ है आर्मी के चीफ है उनको मैं ब्लेम करना चाहूँगा कि वो ठीक से रिपोर्ट नहीं देते। वो अपनी सुख सुविधा और अपनी अलाउंसेस की वजह से जो है वहाँ पर जो है आप टेरोराइजिंग ये खुद ही करते हैं और टेररिस्ट के नाम लेते हैं। बांग्लादेश के इन्फिल्ट्रेशन जो है वो अगर चाहते तो वो क्यों नहीं रोक सकते हैं। BSF के आदमी वो खुद इन्वॉल्व होते हैं कि बांग्लादेशी को अंदर की तरफ लेकर के आया और उनको सिटीजनशिप इंडिया में जो स्थायी रूप से दिया जाए। तो आज तक उन्होंने इसको किया नहीं है। 1971 में जो बांग्लादेश और बांग्लादेश को अलग कर पाकिस्तान से अलग करने का जो इंडिया पाकिस्तान की जो लड़ाई था, यस बहुत अच्छी बात है, वो हमारा एक डिप्लोमेटिक लड़ाई थे, बांग्लादेश अलग हो गई हैं। बट उसके बाद जो मिसेस इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के समय से जो है अपनी वोट की राजनीति की, जब वो हम उस मुद्दे पर नहीं जाना चाहते हैं। बट अभी इतने साल से जो सिटीजन जो इंडिया में जो देश में जो रह रहे हैं तो उनको जो भगाने का या उनको देश से अलग आउट करने का जो है उनकी जो रणनीति जो है हम इसके बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल विरोध करते हैं। अभी इंडिजिनस पीपल की एक अभी दो तीन दिन पहले राजनाथ जी जो है होम मिनिस्टर असम में जाकर के एक डिक्लेरेशन दिया है, इंडिजिनस पीपल कौन है, उधर के मूल निवासी कौन है, उसमें एक दूसरे को जो है लड़ाने के जो है उन्होंने षड्यंत्र रच करके गया। हम उसके घोर विरोध करते हैं, हम राजनाथ जी के विरोध करते हैं, हम मोदी का विरोध करते हैं। असम अभी आज से लेकर के तीन दिन तक बंद है, असम बंद है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी नहीं है। BJP एक दूसरे को अपनी आने वाला इलेक्शन को देख कर आने वाला 2019 को देख करके एक दूसरे को लड़ाने के चक्कर में हम जो मूल निवासी है हमारे जो देशवासी है इनको भी ध्यान देना चाहिए कि हम किसकी उनकी झांचे बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे डॉक्टर विजय जी कुछ इस आगे के बारे में कुछ बताएँ।